बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस रहे हैं तो उनकी लिस्ट जो है वो आज उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और लॉ गेट के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अंदर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आपने मेरे चैनल करूँ बोलता है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट लॉ गेट के मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह चैनल के ऊपर मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट इस तरह से है कि जस्टिस सर अब्दुल रशीद 7 जून 1949 से 29 जून 1954 तक, जस्टिस मोहम्मद मुनीर 29 जून 1954 से लेकर 20 मई 1960 तक। नंबर थ्री पर आ जाते हैं जस्टिस मोहम्मद सलाहुद्दीन, चीफ जस्टिस ऑफ द शॉर्टेस्ट पीरियड इन पाकिस्तान, 3 मई से लेकर 12 मई तक रहे 1960, यानी कि बहुत थोड़ा अच्छा रहे हैं। जस्टिस ए आर कॉर्नियस 13 मई 1960 से लेकर 30 फरवरी 1968 तक। जस्टिस डॉक्टर एस ए रहमान जो है ना 1 मार्च 1968 से लेकर 3 जून 1968 तक रहे हैं। जस्टिस फजल अकबर जो है वो 4 जून 1968 से लेकर 17 नवंबर 1968 तक रहे हैं। जस्टिस हमूदुर रहमान 1968 से 1975। जस्टिस मोहम्मद यकूब अली 1975 से 1977। जस्टिस एस अनवारुल हक 1977 से लेकर 1981 तक। जस्टिस मोहम्मद हलीम 1981 से लेकर 1989 तक। उसके बाद में मोहम्मद अफजल जुल्ला 1990 से लेकर 1993 तक। नसीम शाह 1993 से लेकर 1994 तक। साद सऊद जान 1994 से 1994 तक। सज्जाद अली शाह 1994 से 1997 तक। अजमल मियाँ 1997 से 1999 तक। सईदुज़्ज़मान सदीकी 1999 से 2000 तक। अरशाद हसन खान 2000 से 2002 तक। बशीर जहांगीर 2000 से 2002 तक। शेख रियाज अहमद 2002 से 2003 तक। नाजिम हुसैन सदीकी 2003 से 2005 तक। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2005 से 2007 तक। अब्दुल हलीम हमीद डोगर 2007 से 2009 तक। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2009 से 2013 तक। तसद्दुक जिलानी 2013 से 2014 तक। निसारुल मुल्क 2014 से 2015 तक। जवाद एस ख्वाजा 2015 से लेकर 2015 तक ही रहे हैं। उसके बाद में जो है वो जस्टिस अनवर जहीर जमाली 2015 से 2016 तक। उसके बाद में जवेद एस ख्वाजा जो हैं वो 2015 से 2017 तक रहे। उसके बाद में जस्टिस मियां साकब निसार 2016 से लेकर 2019 तक रहे। उसके बाद में जस्टिस आसफ सईद खोसा 2019 से 2019, और जस्टिस गुलजार अहमद जो कि अब एक या दो दिन के बाद उन्होंने जो है वो नए चीफ जस्टिस को अहदा देना, वो 2019 से अभी तक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख रही करूँ बोलता है।